नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आज वापस से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके। अब हमें बचपन से बताया गया है, या फिर बड़े होके भी बताया होगा, कुछ लोगों को पता लगा होगा कि यार एलोवेरा बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। ठीक है, मान लिया। अब एलोवेरा का पेड़ लगा लिया हमने, चलो ठीक है, अब नेचुरल एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब हम बैचलर हैं, क्या करें फिर? नहीं मिल पा रहा है भाई एलोवेरा का पेड़ तो, या फिर नहीं टाइम मिल पा रहा है। एलोवेरा का पेड़ तो है, लगा हुआ है, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या करें फिर? अब एक ऐसा करते हैं, फिर दिमाग में ख्याल आते हैं यार एक अच्छा सा एलोवेरा मार्केट से ले लेते हैं जाके। ठीक है, तो मार्केट गए, बोले चलो एलोवेरा ले लेते हैं। मार्केट में गए या ऑनलाइन देखा, 50 एलोवेरा मिल रहे हैं। कौन सा अच्छा है, कैसे पता चलेगा? उसके अलावा भी चलो ठीक है, नॉर्मल एलोवेरा तो समझ में आता है। अभी एलोवेरा में टर्मरिक डाल दिया, सेफरन डाल दिया, अभी नॉर्मल वाला ले ले या टर्मरिक वाला ले ले? क्योंकि बताया गया है टर्मरिक ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, एंड सेफरन वाले, सेफरन लगाने से गोरे होते हैं। कितना कन्फ्यूज़न है ना, मेरे को भी हुआ था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, आप फटाफट से डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा लेना है। वो चीज़ सॉल्व करने के लिए मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एलोवेरा, डिफरेंट काइंड ऑफ एलोवेराज को लेके, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी, प्राइस, यू नो, क्वालिटी, आई विल डिसाइड कि आई विल गिव द रैंकिंग टू द फोर एलोवेराज विच आई एम डिस्कसिंग टुडे, 1, 2, 3, 4। उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा परचेज करना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ कि मैं कौन से चार एलोवेरा के बारे में बात करने वाली हूँ आज। तो मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, दीज एलोवेराज, ओके। आई नो एक हाथ में इनको यू नो समाना बहुत मुश्किल है, तो इंडिविजुअली करके बताती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट सौंदर्य एलोवेरा जेल, जो बेसिक आता है पतंजलि का। द नेक्स्ट वन इज एलोवेरा जेल केसर चंदन, सेम फ्रॉम द ब्रांड पतंजलि। द थर्ड वन इज ममा अर्थ एलो टर्मरिक जेल, ओके। एंड द फोर्थ वन इज फ्रॉम द ब्रांड वाओ, इट्स वाओ एलोवेरा जेल, यू नो, सूट्स फॉर ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द प्राइस। ठीक है, प्राइस से भी पहले स्टार्ट करते हैं विद द क्वांटिटी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन सब की क्वांटिटी है 150 ml, ओके। तो क्वांटिटी वाइज आप किसी पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पिक्चर से हट ही गया। नाउ सेकेंड थिंग आती है प्राइस, ओके। अब प्राइस की बात करूँ तो मैं स्टार्ट करती हूँ वाओ से। इसका प्राइस है 299। देन इसका ममा अर्थ वाले का प्राइस है 249। देन आई एम टॉकिंग अबाउट सौंदर्य एलोवेरा केसर चंदन, इसका प्राइस है 110 रुपये, एंड इसका प्राइस है 90 रुपीज़। अब मैं प्राइस वाइज देखूँ तो यार सबसे अफोर्डेबल है, एंड एलोवेरा का मतलब क्या होगा, बेसिक एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। तो मैं अगर प्राइस के हिसाब से चूज़ करने का सोचूंगी तो मैं इसको चूज़ करने का सोचूंगी, ठीक है, क्योंकि एलोवेरा के हिसाब से बहुत हायर साइड है। 300 रुपये का 150 ml एलोवेरा है, ओके। अब मैं बात करती हूँ थोड़ा सा इसकी क्वालिटी के बारे में, ठीक है। तो हमें ज़्यादा अच्छा पिक्चर मिलेगा कि हमें कौन सा एलोवेरा खरीदना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ, ठीक है, एलोवेरा जेल की। ये 90 रुपीज़ का है, सेम कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट है एलोवेरा और कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ कलर कहाँ से आया फिर? ग्रीन पत्ती होती है इसलिए ग्रीन कलर डाल दिया एलोवेरा में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए आई थिंक। तो मेरे हिसाब से इसका जो कलर होना चाहिए, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ओके। क्वालिटी वाइज मैं बताऊँ, मेरे को ये एलोवेरा यूज़ करते हुए 4 से 5 साल हो चुका है ऑलरेडी, एंड आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ दिस एलोवेरा, ओके, टिल नाउ। मैं अभी तक, और मैं आज भी बोलूँगी कि अगर आपको सिर्फ बेसिक, आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपको रिस्क नहीं लेना है, मैं तो इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया बेसिक, मतलब ये थम्स अप है। मैं बोलूँगी इसका जो एलोवेरा का पर्पज़ होता है बेसिक, वो पर्पज़ सॉल्व करता है, क्योंकि अगर आपको हेयर्स में भी लगाना है और फेस पे भी लगाना है, रेगुलर यूज़ करना, तो इट्स परफेक्ट, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर इसकी, ठीक है, तो ये है 300 रुपये का 150 ml। अगर अभी इसका टेक्स्चर एक्चुअली ग्रीन बॉटल है, बट इट्स टोटल ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी दैट, ओके, इट्स टोटल ट्रांसपेरेंट, नो कलर एडेड इन दैट, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। और फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना इसकी, इसकी बिल्कुल बिल्कुल एलोवेरा जैसी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं अभी तक मतलब नॉर्मल ये वाला एलोवेरा यूज़ करती थी, प्लेन वाला, मैंने अभी कुछ टाइम पहले से इसको स्टार्ट किया यूज़ करना, ठीक। तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड।
तो मैं इन दोनों को अभी साइड में रखती हूँ, अभी मैं इन दोनों के बारे में बात करती हूँ। बड़ा ही इसमें बोला जाता है टर्मरिक है, इसमें सैफ्रन है, बहुत गोरा हो जाएगा इंसान। मैं बताऊँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। आप बेसिक एलोवेरा खरीद लो, इन दोनों को पिक्चर से हटा दो, ठीक है। हाँ, इसकी बात करूँ ना मैं, अगर पतंजलि का, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ठीक है। और मैं ना एकदम से लगाते हो ना, आपको थोड़ा सा मतलब यू नो थोड़ा सा एक अलग सा येलोइश टेक्सचर देगा थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपको फ्रेग्रेंस के लिए चाहिए कि हाँ अच्छा सूदिंग फ्रेग्रेंस, ठंडा ठंडा लगे, तो इट्स ओके। इसकी बात मैं करूँ, येलो है, मुझे पर्सनली एलोवेरा पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो काम मेरा ये 90 रुपीज़ वाला एलोवेरा कर रहा है ना, सेम वही टेक्सचर, वही सारी चीज़ें मुझे 249 रुपीज़ में दे रही है, 245 एक्चुअली, सॉरी 245 रुपीज़ में। तो मैं क्यों दूँ यार 245 रुपीज़ सेम चीज़ के लिए, जो मुझे 90 रुपीज़ में मिल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आप फोर्थ नंबर पे रख दूँ, ठीक है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ये, मतलब ठीक है, ओके ओके, बट 245 आई विल नॉट इन्वेस्ट इन एलोवेरा। थर्ड नंबर पे मैं इसको रखूंगी, क्योंकि यार मेरा मानना है एलोवेरा का बेसिक मतलब होता है आप हेयर्स पे भी यूज़ कर सको, फेस पे भी एज अ मॉइस्चराइज़र आप उसका यू नो कई बार मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी जो मैं फेस मास्क बनाती हूँ, फेस पैक बनाती हूँ, उसमें एलोवेरा यूज़ कर लेती हूँ। तो कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको अलग से कोई यू नो फ्रेग्रेंस वाला एलोवेरा यूज़ करने का। फिर भी अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको थर्ड नंबर पर रखूँगी। अभी तक मेरे लिए ये बेस्ट एलोवेरा था, सीरियसली मैं बता रही हूँ, आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ दिस। बट जब ये यूज़ किया ना मैंने, द वाओ वन, या मैं मतलब सीरियसली इट्स वाओ कहना चाहिए, इसका बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे महसूस करने के लिए मिले हैं। प्लस ये ना इस एलोवेरा से बहुत लाइट वेट है, ठीक है, इसको लगाने के बाद थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है स्किन में, बहुत लाइट वेट एलोवेरा है, बिल्कुल महसूस नहीं होता है इसको अप्लाई करने के बाद। तो यार अब मैं बहुत एक्सटेंड नहीं करूँगी वीडियो को, इन शॉर्ट बताना चाहूँगी कि भले प्राइस ज़्यादा है बट क्वालिटी मैटर्स, और जो ये प्रोवाइड कर रहा है ना, दैट इज़ वेरी यू नो गुड। और वैसे भी यार ये ऑफर में मिलता है अमेज़ॉन और इसमें, तो आपको 200 तक के आसपास तो मिल ही जाएगा, ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। और इसका क्वान्टिटी ना इससे भी कम लगता है, बहुत ज़्यादा लाइट है ये, तो इसको मैं फर्स्ट नंबर दूंगी। दिस विल बी सेकेंड, दिस सौंदर्य वन वुड बी थर्ड, एंड द लास्ट इज दिस मामाअर्थ। सो सोचो मैं फर्स्ट टाइम मामाअर्थ का कोई प्रोडक्ट फोर्थ पॉइंट में रख रही हूँ। बट आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू पार्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इतने कन्फ्यूज ना रहें एलोवेरा खरीदने से पहले, वो जल्दी से डिसाइड कर पाएँ कि विच दे वॉन्ट टू परचेज। एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस ना करें। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।